फौजी गेम कब लॉन्च होगा, फौजी गेम रिलीज डेट। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे र्यूमर्स इस टाइम पर आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल जाएंगे। काफ़ी सारे लोग इसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं बार बार गूगल पे या फिर यूट्यूब पर कि फौजी गेम का रिलीज डेट कब है, कब लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, इस बारे में एनकोर कंपनी जो कि डेवलपर है फौजी गेम का, वो इस बारे में क्या कहता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है एनकोर कंपनी का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ में आपको बताऊंगा फौजी गेम कितने MB में या फिर कितने GB में आपको देखने के लिए मिलेगा प्ले स्टोर पर। सो गाइस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए एक लाइक और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब इसी तरह का जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, अक्षय कुमार ने कुछ महीने पहले इस चीज को अनाउंस किया था कि फौजी गेम अक्टूबर के एंड ऑफ द मंथ रिलीज हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ डिले हो गया कंपनी की तरफ से। वो कंपनी का इंटरनल इश्यू है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से फौजी गेम डिले हो गया। तो अब इस बारे में अक्षय कुमार या फिर एनकोर कंपनी जो कि डेवलपर है फौजी गेम का, वो इस बारे में क्या कहता है, वो यहां पर आप देख सकते हैं। सो गाइज, एनकोर कंपनी क्या कहता है फौजी गेम रिलीज डेट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर को ये ट्वीट कहता है एनकोर कंपनी, गुड ऑलवेज ट्रिम्स ओवर इविल, द लाइट विल ऑलवेज कंक्यूर द डार्कनेस, मे विक्टरी ब्लेस फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स ऑफ फौजी गेम लॉन्चिंग November 2020, हैप्पी हैशटैग दशहरा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यहाँ पर एनकोर कंपनी ने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया कि कौन सी डेट को हम लोग नवंबर में लॉन्च करने वाले या फिर रिलीज करने वाले फौजी गेम को। यहाँ पर सिर्फ मंथ मेंशन किया गया, जैसे कि आपने देखा अभी November 2020, सिर्फ यहाँ पर उन्होंने मंथ मेंशन किया कि इस मंथ में फौजी गेम रिलीज होने वाला है। तो गाइस, इस ट्वीट को देखने के बाद यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि फौजी गेम नवंबर के एंड ऑफ द मंथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्ले स्टोर में। तो गाइस, फौजी गेम जैसा कि आपको पता है पबजी का अल्टरनेटिव बताया जा रहा था इस गेम को, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे ये गेम उस लेवल का लगा नहीं जिस लेवल का पबजी गेम है। अगर हम देखें फौजी गेम के जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी डल है एज कम्पेयर टू पबजी गेम। तो गाइस, आपने देखा पबजी गेम के जो ग्राफिक्स है वो बहुत ही धमाल है, और इस चीज़ को पबजी लवर्स ही जान सकते हैं। जो फील आपको आएगा पबजी खेलने में वो आपको फौजी गेम में कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं दिया। फौजी गेम में जो दिखाया गया वो जस्ट एक सीन उन्होंने वहां पर बनाया है कि जो गलवान घाटी में चाइना बिटवीन इंडिया के बीच में जो वॉर हुआ था उसी को लेकर उन्होंने पूरा गेम वहीं पर एंड कर दिया। तो वहां पर आपने देखा होगा जो ग्राफिक्स है वो इस तरह के नहीं है जिस तरह के आपने पबजी में देखेंगे। तो गाइस, मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया मुझे इतना खास नहीं लगा जो फौजी गेम का ट्रेलर है। तो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस, अब मैं बात करता हूँ फौजी गेम कितने GB या फिर कितने MB में आपको देखने के लिए मिलेगा एज र्यूमर्स, जो अभी तक र्यूमर्स आ रहे हैं निकल के फौजी गेम से रिलेटेड। तो गाइस, कहीं पर यह बताया जा रहा है कि फौजी गेम का जो साइज है कितना MB में आएगा, 600 MB से लेकर 1 GB तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और काफी लोगों का यह भी कहना कि 1 GB से लेकर 1.5 GB तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस, ये तो हमें वेट करना होगा जब गेम रिलीज हो जाएगा, तो तभी हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा कि कितने GB में हमें देखने के लिए मिलेगा फौजी गेम। तो गाइस, फाइनली फौजी गेम रिलीज होने वाला है नवंबर एंड ऑफ द मंथ, जैसा कि एनकोर कंपनी ने ट्वीट किया है। तो आई होप गाइस ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ में। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतने मिलते हैं।